मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रहने वाले बबलू उर्फ मिराज खान 44 वर्षीय की राजस्थान से मुंब्रा लौटते समय उदयपुर के पास हाईवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई है। बबलू उर्फ मिराज खान मुंब्रा के आनंद कोलीवाड़ा के देवकी निवास बीविंग की दूसरी मंजिले पर रहते थे। बबलू के एक रिश्तेदार हाजी शफी खान जो हादसे के बारे में हमें जानकारी दी, उनके अनुसार बबलू उर्फ मिराज खान अहमदाबाद अपने कारोबार के सिलसिले में गए थे, मगर वहीं पर आनंद कोलीवाड़ा के ही रहने वाले खुर्शीद और इमरान के साथ में बबलू वहां से अजमेर के लिए रवाना हो गए और अजमेर से ये तीनों लोग कार से मुंब्रा आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक खुर्शीद कार चला रहे थे और इमरान आगे की सीट पर बैठे थे और बबलू ये पीछे की सीट पर सो रहे थे। 11 दिसंबर की रात करीब 11:30 बजे के आसपास में राजस्थान के उदयपुर के पास में रोड किनारे छोटे छोटे कंकड़ होने की वजह से कार का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से टकरा कर काफ़ी दूर जाकर गिरी, जिसमें इमरान और खुर्शीद ये दोनों लोगों को चोट लगी है, मगर वहीं बबलू उर्फ मिराज खान की मौत हो गई है। राजस्थान पुलिस ने इस हादसे की जानकारी मुंब्रा में उनके परिवार वालों को दी और यहां से हाजी शफीक खान राजस्थान पहुंचे और वहां शव की कानूनी कार्रवाई पूरी की गई, जिसके बाद बबलू उर्फ मिराज खान की शव यानी कि डेड बॉडी वो मुंब्रा लाई गई। हालांकि सड़क हादसे के बारे में पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में ही हादसे की पूरी डिटेल सामने आएगी कि क्या कंकड़ों की वजह से हादसा हुआ था या फिर ये हादसे की और कोई वजह है। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच में ही सच सामने आएगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।